चूरू जिले के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने आत्महत्या कर ली है। आपको ये बता दें कि विश्नोई ने अपने क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला को समाप्त किया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक SP तेजस्विनी समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी यहां मिला, ये बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने इस बारे में अभी कुछ भी कहने से किया है। इधर विश्नोई पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहे थे। शुक्रवार देर रात तक वो हत्या के एक मामले की जांच कर रहे थे। वहीं पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर IG और SP से रिपोर्ट मांगी है। वहीं IG जोश मोहन का ये कहना है कि थाना अधिकारी का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने पिता से इसके लिए माफी मांगी है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का जिक्र यहां पर भी नहीं किया गया। ये पूरी जांच के बाद ही पता लग सकेगा कि वो किसके दबाव में थे, कौन था जो उन्हें लगातार इस तरह से प्रताड़ित कर रहा था कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। हालांकि आत्महत्या नोट में किसी नेता के नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, स्थानीय विधायक कृष्णा पुनिया सहित कई नेताओं ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं SHO के मित्र वकील गोवर्धन सिंह का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर लिखा था कि वो तनाव में है और स्वैच्छिक इस्तीफा देने की बात वो कर रहे थे, और इस पर उन्होंने ये कहा कि आपको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि वो इतने प्रताड़ित हैं कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। पूरे मामले का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। काफी समय से तनाव में चल रहे थे। आपको ये बता दें कि रात करीबन 11:30 बजे तक तो उनकी SP तेजस्विनी गौतम से बातचीत हुई थी। हत्या का जो मामला चल रहा था उसके बदमाशों को पकड़ने के विषय में ये बातचीत उनकी हुई थी, और बातचीत के बाद देर रात SHO ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद जो पुलिस अफसर हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि राजनीति के दखल में उच्च अधिकारियों को कमजोर उन्होंने बताया था। हालांकि इस प्रकार का कोई भी जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में नहीं किया है। अपने पिता से जरूर उन्होंने माफी मांगी है आत्महत्या करने के लिए, और उससे पहले अपने मित्र जो कि वकील हैं गोवर्धन, उन्हें व्हाट्सएप किया कि वो काफी तनाव में है और स्वैच्छिक इस्तीफा देने की बात उस टाइम वो कह रहे थे, और इस पर गोवर्धन जी ने कहा कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो इतना प्रताड़ित थे कि आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेंगे। बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इतने ईमानदार और इतने मिलनसार ऑफिसर को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ गया। लोकप्रियता की अगर बात करें तो इनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा थी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया पर पेज होते हैं वो नेताओं के होते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस ऑफिसर का पेज था और उनके करीबन 65,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लोकप्रियता उनकी इतनी थी। आपको और बड़ी खबर से रूबरू करवा दें कि राजगढ़ SHO सुसाइड का जो प्रकरण है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में यह पूरा मामला आया है, और CM गहलोत ने DGP से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। अपने दबंग और साफ छवि के लिए विश्नोई जाने जाते थे, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया उन्होंने DGP से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, लेकिन उस सुसाइड नोट में भी आत्महत्या का जो कारण था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ पुलिस के अधिकारियों से और साथ ही अपने पिता से उन्होंने आत्महत्या के लिए माफी उस सुसाइड नोट में मांगी। उसके अलावा किसी बात का सुसाइड नोट में भी जिक्र नहीं था। तकरीबन देर रात 11:30 बजे उन्होंने तेजस्वी गौतम से भी बातचीत की। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में ये पूरा मामला आया। DGP से रिपोर्ट उन्होंने मांगी है।
हर किसी के जहन में फिलहाल एक ही सवाल, कैसा ईमानदार और मिलनसार ऑफिसर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। राजगढ़ एसएचओ सुसाइड का जो प्रकरण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में आया है। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने सार्वजनिक कर दी है। आपको बता दें व्हाट्सएप की जो चैट थी एक दिन पहले, व्हाट्सएप चैट उन्होंने सार्वजनिक की। चैट में विश्नोई ने गंदी राजनीति में फंसाने की उनसे बात कही। गोवर्धन सिंह जो उनके वकील मित्र हैं, उन्होंने भी विश्नोई को जाबांज पुलिस ऑफिसर बताया है। कहा कि राजस्थान पुलिस और समाज ने एक कोहिनूर को खो दिया है।